रोना नहीं है, रोना नहीं है। अभी एक सामने बाबा आ रहे हैं, देखो आप देख सकते हैं उनकी उम्र, देखिए कितनी उम्र है उनकी। और ये एक एक फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर पे वो आ रहे थे, अब देख एक सरप्राइज देते हैं उन्हें, एक एक सरप्राइज देते हैं, बात करते हैं, देखो वो कितने खुश होते हैं नहीं होते हैं। आने दो बाबा को मेरे पास, आने दो। आपके साथ हैं? हैं जी, धक्का लगवा रहा हूँ जी। कौन है? ताऊ जी। अरे मैं इनका धक्का लगवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, धक्का लगवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है यार। तो आपकी उम्र क्या है बाबू जी? 54 साल है। हैं जी? 54 साल। 54 साल, तो आप इन्हें देख के धक्का लगवा दे वहाँ से। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहे हैं? तो कितनी कमाई हुई आज? आज तो 200 की कमाई हुई आज। यार तुम अच्छा काम करो, मैं हमने देखे थे आपको, आप फ्लाईओवर से आ रहे थे, मतलब खींच नहीं रहा था आप पे रिक्शा। जी जी, मैंने धक्का लगाया। आपने धक्का लगाया, यार बहुत अच्छा काम किया। पहले नाम क्या आपका? मेरा नाम सुमित गोस्वामी जी। सुमित गोस्वामी। देखिए ऐसे इंसान भी मिलते हैं, ऐसे इंसान मिले। ये बाबा आ रहे थे और ये फ्लाईओवर है, इन पर चढ़ानी मतलब दिक्कत हो रही चढ़ने में। जी दिक्कत तो होती है, जाती थी जी। जी तो घर में कौन कौन है बाबू जी? घर वाली और लड़की शादी कर दी। अच्छा, आप घर में कौन है? बस एक घर वाली है। अच्छा, बेटा? कोई नहीं। बेटा नहीं है? एक ही बेटी थी। अच्छा, एक बेटी थी आपकी। तो आपका यही डेली काम है घर से? हमारी जो आंटी जी है वो खाना बना के देती है आपको, आप जाते हो रिक्शा चला के आते हो। ये रिक्शा अपना है, किराए का है? अपना ही है। अच्छा, अपना है। कितने सालों से चला रहे हो आप ये? हो गए पूरी जिंदगी चलाते हुए बाबू जी। है जी, पूरी जिंदगी हो गई चलाते हुए। पूरी जिंदगी? हाँ। इस ठंड में भी चलते हो आप? तो ठंड है। हाँ, ठंड में चला लेते हैं, क्या करें। ये पेट ऐसी चीज बनाई। हाँ, ऊपर वाले ने क्या। बेटा नहीं आपका कोई? नहीं। था या इंतकाल हो गया? नहीं नहीं, था ही नहीं, एक ही बेटी थी। एक ही बेटी थी, अब दो, अब इस बस आप बचे हो दोनों के दोनों। बस बस, मन नहीं करता घर में बैठूं आराम से। अरे बाबू जी, घर बैठूंगा तो काम बैठे, पेट कहाँ से चलेगा, गुजारा कहाँ से होगा, घर बैठ जाएंगे ये। हाँ जी, हाँ जी, आंटी को रोटी पानी कहाँ से आ रही थी। यही तो हो जाता है, रास्ता। कभी एहसास होता है कि काश मेरा भी एक बेटा होता? और हाँ, एहसास तो होता ही इंसान को, ये बात तो, क्या हमारा है कोई या नहीं है, लेकिन जब ऊपर वाले के हुक्म है जैसा भी उसका, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, जो वो चाहेगा वही होगा। देखो सबसे बड़ी तो बात कि आप इतनी उम्र में भी आके और रिक्शा चला रहे, मतलब पूरी ज़िंदगी आपके रिक्शे में ऐसे गुजरेगी। कभी सोचा नहीं कोई कुछ और काम कर लें आप? नहीं कभी, भाई इस पे रह गए तो इसी पे ही रह गए। अच्छा, एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हो बाबू जी आप? कभी 200, कभी 400, कभी 300। अच्छा अच्छा, आपके और भी काम हो रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो अपना अपना मकान है, किराए का मकान है? तो किराए का, किराए का मकान है। आप अपना था, लड़की की शादी में बेच दिया। ओहो, अपना मकान था आपका? जी जी, उसमें बिक गया, दहेज देने के चक्कर में बिक गया। नहीं कोई खास दहेज वहेज नहीं, फिर भी बिक गया वो। मतलब आप पे इतना था नहीं? हाँ। आप पे इतना था नहीं कि आप उन कुछ कर सको? हाँ, सही बात है। कितने गज का मकान था आपका? 25 जी, 25 का। 25 गज का। कभी कोई सवारी मिली ऐसी आपको कि आप सवारी बैठी हो एकदम खुश हो के आपको कुछ दिया हो, कभी टिप दी हो आपको? हाँ, कभी कभी एक सवारी मिली थी, 100 रुपये दे गए थे। जी जी। हाँ, इस तरीके से कभी कोई 50 दे जाता, कभी 20-30 दे जाते। जी जी। अब भी दे जाते हैं कुछ। जी जी। हाँ, ऊपर वाले थे। ठंड में भी चलाना मजबूरी है, अगर नहीं चलाओगे तो कैसे? मजबूरी है जी, चलाना तो पड़ेगा, चलाना तो जरूरी पड़ेगा, बिना करे तो। चले, पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप इतनी उम्र में चला रहे हैं भाई। अच्छा जी, चलें। जाना है? हाँ चलें। आपके लिए कुछ सरप्राइज है जी, सरप्राइज समझते हो? हाँ समझता तो हूँ। क्या सरप्राइज समझते हो? कुछ पता नहीं, आप देना कुछ सोच रहे हैं। सरप्राइज मतलब कुछ आपके लिए स्पेशल है हमारे लिए जी। क्या हो सकता है? जो आप दे दें जी, जो आप दे दें जी। जी, अब तक कितने पैसे मिले आपको?
ऐसी थोड़े बहुत कोई कोई दे दे गए जी जी। अच्छा ये आपके लिए रोना नहीं है। सुनिए रोना नहीं है आपको। क्यों रो रहे हो बताओ। आज बेटा होता मेरा तो मेरा हमदर्द होता, आप मेरे बेटे जैसे हो मेरे हमदर्द हो। ये रोना आपके बेटे के बेटा ही तो हूँ आपका आपका देखो ये बेटा है, ये धक्का लगा के आता है ना। बस हम चाहते हैं कम से कम थोड़े बहुत जो 8-10 दिन बचे ना सर्दी के, वो आप घर में रहो, ठीक है ना। बेटा समझ के मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये कुछ पैसा है ये रख लो आप, ठीक है ना। सोचा था कि कोई मिलेगा आगे एकदम सरप्राइज देगा आपको, कोई सोचा था कोई आएगा ऐसा मिल जाएगा। मेरा नाम मुशाहिद खान है, ठीक है ना। चलो आप खुश रहो, बस गले तो मिल लो। शुक्रिया है ना, रोना नहीं है कभी, हिम्मत से कान मिलना है, ठीक है। चलिए हाथ मिला लो आप। खुश रहना हमेशा, हिम्मत नहीं हारनी है। फिर मिलूंगा इंशाल्लाह, फिर आपकी मदद की जाएगी। 2-4 दिन 10 दिन घर पे रहना है, ठीक है ना। ठंड ठंड में बोलना आप बुढ़िया से, बोलना हमारी कि तेरे पास ही रहना, मुझे ठंड में कहीं नहीं जाना, ठीक है ना। अब हंस के दिखा दो आप, हंसना है, मैं रुलाने के लिए थोड़ी आया था आपको, हंस के लिए लेके आया था। चले ठीक है।